हेलो स्टूडेंट, अब हमारे पास में क्वेश्चन है कि 8v-3u = 5uv। दूसरा इक्वेशन है 6v-5u = -2uv। ये हमारे पास में दो इक्वेशन है, बट हमें जो इक्वेशन दिए है हमारे पास में क्या है, लीनियर इक्वेशन नहीं है हमारे पास में। हम इनको सॉल्व करके थोड़ा सा आगे के लिए, तो हम क्या करेंगे, इनको लीनियर बना लेंगे। तो सॉल्व किस तरह से करना है, आप यहाँ पर जो यूवी है दोनों तरफ दोनों इक्वेशन के लिए, आप इसको क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे इसमें, ठीक है। तो करना कैसे है, तो आप लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट में आप डिवाइड कर रहे हो किस से, यू वी से, ठीक है। और इसी तरह आप इक्वेशन टू में डिवाइड कर रहे हो इससे, यू वी से, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास में इक्वेशन क्या आने वाले। तो इक्वेशन वन में जब मैंने यू वी से डिवाइड करा, यानी कि इस टर्म में भी और इस टर्म में और इस टर्म में, ठीक है। तो तीनों में टर्म हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा, ठीक है। तो 8v / uv - 3u / uv = 5uv / uv, ठीक है। ये इक्वेशन मेरा फर्स्ट हो गया। इसके साइड में मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन सेकंड को, तो 6v / uv - 5u / uv = -2uv / uv, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या देख रहा हूँ कि जो चीज़ें डिवाइड में होती है अगर इक्वल है मेरे पास में, क्या जैसे यहाँ पर 2 लिखा है मेरे पास में, 2/2, तो इसका मतलब है 2 से हमारी ये चीज़ें कैंसिल हो जाएगा, होकर क्या रहता है, 1 आ जाता है। या फिर इस तरह से a/a लिखा है तो क्या रह जाएगा मेरे पास में, 1 ही, a से कैंसिल हो जाता है। तो सिमिलरली हम यहाँ पर वही मेथड लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर v है तो v से v कैंसिल, ठीक है। यहाँ पर क्या है, u तो u से u कैंसिल और uv से uv कैंसिल, ठीक है। तो इक्वेशन ये वाला मेरे पास में क्या आ गया, 8/u / 3/v, ये कितना हो गया, 5, क्योंकि ये uv तो पूरा कैंसिल हो गया। और ये वाला इक्वेशन ऐसे ही, यहाँ पर v से v ख़त्म, u से u और uv से uv ख़त्म, ठीक है। तो 6/u - 5/v और ये -2, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ कि या लेट x = 1/u, x की जो वैल्यू है मैंने कितनी पुट कर लिया या मान लिया, 1/u कर लिया, ठीक है। ऐसे ही मैं y की वैल्यू कितनी लेता हूँ, 1/v, ठीक है। ये मैंने मान लिया अपने तरीके से सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा, इसकी जगह यहाँ पर हम पुट कर देंगे, ठीक है। इसका मतलब यही तो है कि 8/u लिखा है, तो इसका मतलब ये तो है कि 8 × 1/u, तो 1/u की जगह मैं क्या रख दूंगा, x, ठीक है। ऐसे जैसे ये लिखा है 3/v, तो इसका मतलब क्या है कि 3 × 1/v, तो 1/v की जगह मैं क्या लिखूंगा, y। दोनों इक्वेशन के लिए हम यही काम करने वाले हैं, ठीक है। तो हम करते हैं इसके लिए, तो 1/u के लिए मैंने क्या लिया, x, तो ये कितना हो गया, 8x, ठीक है। 1/v, u जो है आपका x है और आपका 8 दिया है, तो 8 की मल्टीप्लाई होगी x से, ठीक है। माइनस ये है 3/v, यानी कि ये वाली, तो ये y बन गया 1/v और × 3, यानी कि 3y, और यहाँ पर कितना है, 5, ठीक है। इक्वेशन देता हूँ मैं इसको थर्ड, इक्वेशन मेरी कितनी हो गई, थर्ड हो गई है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड मेरे पास में थी, ये थर्ड हो गई है। अब इक्वेशन इस वाले के लिए देखता हूँ मैं, 1/u, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 6x, ये आपको हो गया 5y और ये -2। इक्वेशन लेता हूँ मैं इसको 4, ठीक है। अब दोनों मेरे पास में इक्वेशन आ चुकी है, अभी मुझे इसको क्या करना होगा, सोल्व करना होगा। तो सोल्व करने के आपके पास यहाँ पर दोनों तरीके हैं, आप विलोपन विधि लगा दिए चाहे आप प्रतिस्थापन लगाइए, आप यहाँ पर कोई से मेथड लगा सकते हो जो भी आपको कंफर्टेबल हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो लगाने वाला हूँ विलोपन विधि, जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर दोनों एक्स और वाई के लिए किसी एक के क्या करूँगा, कोफिशिएंट को इक्वल करूँगा और फिर आपस में उनको ऐड या माइनस करके उन दोनों को आपस में टर्मिनेट करके जो हमारे पास में दूसरा वैल्यूएबल बचेगा उसकी वैल्यू मैं निकाल लूँगा, ठीक है। तो मैं करने वाला हूँ वही काम। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, यहाँ पर x है और यहाँ पर है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर इसका मल्टी कोफिशिएंट 8, यहाँ पर 6, यहाँ पर y का कोफिशिएंट 3 माइनस का 3 और यहाँ पर कितना, -5। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस
चलो मैं वाई के लिए लेता हूँ इस बार, तो वाई के कोफिशियंट इक्वल कर देता हूँ करता हूँ, तो कितना आने वाला है? ठीक है, तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा इक्वेशन थर्ड में, मैंने मल्टीप्लाई करी कितने से, 5 से। ठीक है, तो मेरे पास में इक्वेशन ये क्या आया, 5 से मल्टीप्लाई करने का मतलब कि यहाँ पर भी, और पूरी इक्वेशन मैंने मल्टीप्लाई कर दी कितने से, 5 से, 5 से। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 8 40, या 5 8 जा 40। ठीक है, 3 5 15 वाई, ठीक है, और 5 5 25। ठीक है, ये मेरे पास में न्यू फॉर्म आ गया इस इक्वेशन का। अब ऐसे ही मैं इस इक्वेशन के लिए करने वाला हूँ क्या, इक्वेशन 4 इंटू इक्वेशन 4 के अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दी 3 से, तो ये कितना हो गया, 3 6 18 x, ये 15 y, और ये -6। ठीक है, अब मेरे पास में जो वाई के कोफिशियंट है वो दोनों इक्वल हो चुके हैं। अब मुझे क्या करना होगा, किसी एक की वैल्यू प्लस करनी है। ठीक है, मैं कोई सी की वैल्यू प्लस कर सकता हूँ, तो मैं इक्वेशन इसको लेता हूँ 5th, इसको 6th। ठीक है, तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं इक्वेशन 5th माइनस इक्वेशन 6th, 5th में से मैं 6th को घटा रहा हूँ, मैं माइनस कर रहा हूँ। ठीक है, तो 40 x 15 y, 25 माइनस कौन सी कर रहा हूँ, 6, तो 18 x माइनस 15 y और माइनस का 6। कुछ यहाँ पर माइनस आएगा क्योंकि माइनस कर रहा हूँ, तो ये माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये माइनस हो गया आपका, ये माइनस माइनस क्या होगा इस बार, प्लस। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस। ठीक है, जब आप 14 में से 18 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 22 x। ये माइनस का है ये वाला, और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो गया आपका, इट मीन 0। ठीक है, ये आपका 25 और ये 6 प्लस का। ठीक है, तो कितना हो गया आपका, 31। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 31/22। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 31/2। ठीक है, ऐसे ही मैं y की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू में इक्वेशन थर्ड में या फोर्थ में या 5th में या 6th में पुट करने के बाद y की वैल्यू में निकाल लूँगा। ठीक है, तो मैं इसकी x की जो वैल्यू है इक्वेशन थर्ड में पुट कर रहा हूँ, तो उससे मेरे पास में किसकी वैल्यू जाएगी, y की। ठीक है, या फिर मैं इक्वेशन फोर्थ में भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ से पर भी मेरी वैल्यू y की आ सकती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पुट करके देखता हूँ यहाँ पर क्या आएगी। ठीक है, वैसे तो हर जगह हर इक्वेशन के लिए वाई की वैल्यू इक्वल ही आएगी, पर मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मेरी जो इक्वेशन है या फिर जो कैलकुलेशन है ईजी होने वाली है। ठीक है, तो मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, तो 6 x 5 y इक्वल टू -2। ये इक्वेशन मेरे पास में 4 था, और यहाँ पर मैं x की वैल्यू रख रहा हूँ 31/22, तो 6 x की वैल्यू 31/22 -5 y इक्वल टू -2। देखो, ये 6 और ये 22 दो से डिविजिबल है, यानी कि 2 3 जा 6, और ये 11 टाइम आपको कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया आपका, 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी कि 93/11, 5 y इक्वल टू -2। मैं यहाँ सॉल्व कर लेता हूँ उसको, तो -5 y इक्वल टू -2, ये आपका 93/11, यहाँ प्लस का इधर आके माइनस का हो गया, तो 93/11। ठीक है, इधर आके क्या हो गया आपका, माइनस का। अब आपको उसको सॉल्व करना है, यहाँ पर एलसीएम कितना गया, 11, मल्टीप्लाई करनी है क्रॉस, इसका इधर इसका इधर, तो 11 2 जा 22, माइनस तो माइनस लगाओगे, और 1 की मल्टीप्लाई 93 में, तो माइनस का 93, और इधर आपका माइनस का 5 y, तो माइनस का 5 y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करना है। देखो, माइनस माइनस की जो चीज़ें होती है आपस में क्या होती है, ऐड होती है, पर लिखी जाती है किस में, माइनस में। ठीक है, तो 3 और 2 5, 9 और 2 11, यानी कि 115/11। ठीक है, या फिर माइनस का वाई इक्वल टू माइनस का 115/11 इंटू, या आपका देखो गुना में है 5, तो ये आ गया आपका डिवाइड में। ठीक है, ये 5 है आपका। ठीक है, अब आप 5 इस 115 को 5 से आपका कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, तो आप जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, देखो 5 2 10 बचा यहाँ पर कितना आपका, 1। ठीक है, एक बचा, तो 5 दिया
15 यानी कि 23/11 माइनस का 23/11 वाई की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, कितनी आ गई, या फिर दोनों तरफ माइनस है, माइनस से माइनस कैंसिल करके आप वाई की वैल्यू 23/11, ठीक है, तो आपकी वैल्यू आ गई आपकी कितनी 23/11। अब आप एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर दीजिए, जहाँ पर आपने ये रिलेशन लिया हुआ है, माना हुआ है 1/u एंड 1/v। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू दोनों पुट करते हैं, जब हम चेक करते हैं कि हमारे पास में ये जो वैल्यू है कितनी आई है, ठीक है। तो मैंने एक्स को क्या लिया हुआ है, 1/u, ठीक है, और इसी तरह मैंने वाई को लिया है 1/v, तो वाई इक्वल टू 1/v, ठीक है। एक्स की जो वैल्यू है मेरे पास में कितनी आई है, 31/22, तो 31/22 इक्वल टू 1/u। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई यहाँ और इसका यहाँ, या फिर दोनों को पलट के लिख दीजिए आप, तो u की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 22/31, ठीक है, u की वैल्यू आ गई। सिमिलरली ऐसे आप y की वैल्यू यहाँ पुट करोगे कितनी है, 23/22, तो यहाँ पर आप 23/11, 1/v, तो v की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में, 11/23, ठीक है। तो हमारे पास में u एंड v की वैल्यू कितनी आ गई, 22/31, और v की वैल्यू कितनी आ गई, 11/23, ठीक है। तो गाइज हमारे पास में अगर इस तरह की कोई क्वेश्चन आते हैं तो हम उसमें चेक करना होगा कि हमारे पास में जो वेरिएबल है उसके अंदर कॉन्स्टेंट जो हमारे पास में या फिर वेरिएबल जो भी दिए होते हैं, हमें चेक करना होगा कि उसको सिंप्लीफाई किस तरीके से करना है, या उसके अंदर हम क्या मेथड यूज़ करें कि हमारा जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन बन जाए, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं था, तो सबसे पहले मैंने क्या करा, उसको लीनियर इक्वेशन बनाया, ठीक है। ये यहाँ पर इक्वेशन बन चुका है, यहाँ पर इक्वेशन, यहाँ पर थोड़ा जब मैंने बना लिया इसको तो मुझे थोड़ा क्या लगा, डिफिकल्ट लगा सोल्व करने के लिए, ठीक है। मैं कर तो सकता हूँ इसको भी, बट क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इसको एक्स को, इसके 1/u को कितना पुट कर दिया, एक्स, और 1/v को वाई, देन मेरे पास में इक्वेशन बन चुकी है ये वाली, और फिर मैंने उसको सोल्व कर दिया। थैंक यू गाइज़।